हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद चौनिक अड्डा में। फ्रेंड्स, आज अपने पढ़ेंगे रेक्टम और एनल कैनाल की एनाटॉमी। ठीक है, तो ये क्या है? रेक्टम एनल कैनाल लोएस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी है, जीआईटी का सबसे लोएस्ट पार्ट है। इसमें क्या क्या आता है? रेक्टम प्लस एनल कैनाल। ठीक है, एनल कैनाल हाईली गार्डेड होती है बाय स्फिंक्टर्स। एनल कैनाल में बहुत सारे स्फिंक्टर्स होते हैं और रेक्टम जो है उसमें क्या इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, फिर उसके नीचे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इसमें सप्लाई होती है उसको इस तरीके से। फिर क्या है इंटरनल इलियक आर्टरी, तो उसके नीचे मिडल रेक्टल आर्टरी। ठीक, ये सप्लाई है उसकी। फिर ऐसे ही सिग्मॉइड कॉलन रेक्टम एनल कैनाल, मतलब रेक्टम के ऊपर क्या होता है सिग्मॉइड कॉलन होता है, कॉलन होता है, फिर उसके नीचे रेक्टम, फिर एनल कैनाल। फिर रेक्टम क्या है उसका कर्व्ड होता है, रेक्टम जो होता है कर्व्ड होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर भी कर्व्ड होता है डायरेक्शन में, और साइड टू साइड मतलब लैटरल भी इसका कर्व्ड होता है। और लाल इंटेस्टाइन में तीन कार्डिनल फीचर होते हैं, एक सर्कुलेशन, अपेंडिसेस और एपिप्लॉयसी एंटीनियर। ठीक है, तो तीन कौन कौन से हो गए? सर्कुलेशन, अपेंडिसेस और एपिप्लॉयसी, जो कि ये तीनों क्या हैं रेक्टम में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सिचुएशन कहाँ पे सिचुएटेड होता है रेक्टम? सिचुएटेड होता है इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेसर पेल्विस। ठीक है, पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट में और इन फ्रंट ऑफ द लोअर थ्री पीस ऑफ द सैक्रम एंड कॉकक्स, और कॉकक्स और सैक्रम के आगे। ठीक है, अब फिगर में देख लेते हैं इसको। फिगर में कैसे है ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है रेक्टम प्लस एनल कैनाल लोअर जीआईटी पार्ट। ठीक है, तो ये रेक्टम में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एरो बन रखा है, इसके ऊपर क्या होगा सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है, फिर नीचे आके कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है एनल कैनाल में। ठीक है, एनल कैनाल पे कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, कॉकस के जस्ट नीचे एक तरीके से, वहाँ से एनल कैनाल स्टार्ट हो रही है। और रेक्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लगभग एस थ्री से। ठीक है, एस थ्री, एस फोर, एस फाइव, कॉकस के नीचे का क्या स्टार्ट हो गई एनल कैनाल। ठीक है, एनल कैनाल जो होती है इसमें काफ़ी सारे स्फिंक्टर होते हैं, और रेक्टम के जो आगे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है रेक्टोवेसाइकल पाउच। ठीक, और इसके पीछे वाला पोर्शन सैक्रम और कॉकस वगैरह हो गए। ठीक है, इसके आगे फिर ये भी हो गई यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट मेल में, पेरिनियल मेम्ब्रेन, यूरेथ्रा, पेरिनियल बॉडी। ठीक है, सेजिटल सेक्शन थ्रू द मेल्स वेसल्स शोइंग द लोकेशन ऑफ द रेक्टम एंड सम ऑफ इट्स एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशंस। ठीक है, ये कुछ बता रखे हैं, तो ये आप इमेज एक्शन से ध्यान रखें तो आप अपने आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं कि आगे पीछे ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सटीक नहीं लिखना होता है कि एकदम से ये इधर से जा रहा है और आ रहा है, मोटा मोटा याद रखना होता है सब। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, आई थिंक सब चीज़ें कवर हो गई होगी। अब इसका जो है वो कर्वेचर देख लेते हैं, कर्वेचर। ठीक है, तो ये सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, तो पहला जो कर्वेचर ऑफ द रेक्टम एंटीरियर पोस्टीरियर दे रखा है, एंटीरियर पोस्टीरियर का, और सेकंड जो है साइड टू साइड लैटरल कर्व्स। ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, राइट, लेफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाली फिगर देख रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, तो जो ऊपर की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ एक कर्व हो रहा है, फिर नीचे की तरफ एंटीरियर की तरफ। ठीक है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो पीछे जो है वो ऊपर की साइड जहाँ से रेक्टम स्टार्ट है वो कॉन्वेक्सिटी को मैच कर रहा है सैक्रम की, और नीचे इधर कॉकिक्स वाला जहाँ से एनल कैनाल स्टार्ट हो रही है वो उसके अपोजिट है, जैसे उसकी कॉन्वेक्सिटी के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हो गया और कवर हो गया। और ऐसे लेटरल से साइड से क्या है, अपर राइट कर्व्स है, अपर राइट साइड से कर्व मिलेगी, उंगली डालेंगे तो आपको एक थोड़ा सा फील होगा कि हाँ के या कुछ भी उसमें वायर वगैरह डालते तो उस हिसाब से बैंड होकर निकलेगी वो सबसे अगर चीज़ है तो। ठीक है, फिर मिडल लेफ्ट कर्व है, नीचे की साइड आएंगे तो लेफ्ट साइड में से कर्वेचर मिलेगी, और नीचे आएंगे तो राइट साइड से कर्वेचर मिलेगी। तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ये कर्वेचर भी कवर होगी, और फिर ये बता दिया सिचुएशन। ठीक है, आगे को इसमें क्या है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस के लेसर पार्ट में पीछे की तरफ, और आगे इसके क्या होता है इन फ्रंट ऑफ, और ये किसके आगे है सैक्रम कॉकस के आगे, और ये किसके पीछे है लेसर पेल्विस के, इस तरीके से। अब आगे देख लेते हैं एक्सटेंड क्या है इसका। रेक्टम बिगिंस एट थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा, रेक्टम एंड्स बाय बिकमिंग एनल कैनाल अ लिटल बिलो द टिप ऑफ द कॉकस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं रेक्टम कहाँ पे थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा पे स्टार्ट होता है। ठीक है, इधर दिख ही रहा है एस थ्री पे स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है कॉकस के जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, एनल कैनाल बन रहा है कॉकस के नीचे, तो चीज़ हो गई। डायमेंशन इसकी क्या है, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, अपर पार्ट में जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 4 सेंटीमीटर का, और लोअर पार्ट में इट इज़ डायरेक्ट टू फॉर्म रेक्टल एम्पुला।
लोअर पार्ट में वो रेक्टल एम्पुला बनाता है, तो इसीलिए वो वहाँ पर और ज़्यादा डायलेट होता है। फिर क्या है, कोर्स एंड डायरेक्शन। रेक्टम रन्स फर्स्ट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, देन डाउनवर्ड एंड फाइनली डाउनवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड में। फिगर में चेक लेते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ बेंड हो रहा है। सबसे पहले ऊपर से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ए वाली फिगर देख रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर वाली, तो ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ बेंड हो रहा है, नहीं डाउनवर्ड और बैकवर्ड की तरफ बेंड हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर को। फिर और जब नीचे आते हैं तो डाउनवर्ड और फिर डाउन, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है और फिर देखिए फाइनली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। फिर आगे को सबसे नीचे डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, पहले डाउन फॉरवर्ड, डाउन और बैकवर्ड, फिर डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेंडिंग होगी इसकी। रेक्टम शोज टू टाइप्स ऑफ कर्वेचर। रेक्टम में दो तरह कर्वेचर होते हैं, दो एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर मिलते हैं और दो तीन लैटरल कर्वेचर मिल रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर में सैक्रल फ्लेक्चर है, फॉलोज कॉन्केविटी ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स, और फिर पेरिनियल फ्लेक्चर ऑफ रेक्टम है, वो बेंड बैकवर्ड एट एनोरेक्टल जंक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक। रेक्टल शोज टू टाइप्स ऑफ कर्वेचर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अब फिगर से देख लेते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर ये वाला आपने देख रहे हैं, ए फिगर, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर है, क्या है, सैक्रल फ्लेक्सर। सैक्रल फ्लेक्सर मतलब ऊपर वाला पोर्शन, फॉलोज कॉन्केविटी ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सैक्रम और कॉकेक्स की कॉन्केविटी फॉलो कर रहा है, और नीचे वाला पोर्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है उसके कॉन्केविटी के, में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सैक्रल फ्लेक्सर, वो फॉलो करता है कॉन्केविटी ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स ऑफ रेक्टम, ठीक है, सैक्रल फ्लेक्सर ऑफ रेक्टम। और फिर नीचे क्या है, पेरिनियल फ्लेक्सर ऑफ रेक्टम, ये बैंड होता है बैकवर्ड एट एनोरेक्टल जंक्शन, ठीक है। तो ये एनोरेक्टल जंक्शन हो गया, यहाँ पे रेक्टम जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से एनल कैनाल स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे बैंड हो रहा है, आगे की तरफ, ठीक है। तो पेरिनियल फ्लेक्सर एट ऑफ रेक्टम बैंड बैकवर्ड एट एनोरेक्टल जंक्शन, एनोरेक्टल जंक्शन पे वो बैकवर्ड को बैंड होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं लेटरल कर्व्स, ठीक है, अपर लेटरल कर्व कॉन्वेक्स टू राइट, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखी रहा है, राइट साइड में ये आपको बता ही रखा राइट और लेफ्ट कौन सा है, इस वाले इधर इसमें, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक है, तो राइट साइड में बैंड हो रहा है, ठीक है। फिर मिडल में, ठीक है, तो अपर लैटरल वाला पोर्शन जो कॉन्वेक्स टू राइट है, मिडल लैटरल पोर्शन कॉन्वेक्स टू लेफ्ट है, मोस्ट प्रोमिनेंट है, और फिर लोअर लैटरल कर्व जो है कॉन्वेक्स टू राइट है, ठीक। तो इस तरीके से है। अब आगे देख लेते हैं इसका रिलेशन और किस किस से क्या है। सबसे पहले पेरिटोनियल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन में क्या क्या है, अपर वन थर्ड और मिडल वन थर्ड कवर्ड विद पेरिटोनियम, ठीक है, अपर वन थर्ड और लोअर वन थर्ड, ठीक है, इसके तीन पोर्शन एक तरीके से कर लो मान लिया, और फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उसमें आगे क्या होती है, पेरिटोनियम होती है, ये फिगर में दिख रही है, तो ये जहाँ तक एंड हो रही है इसकी ये जो पेरिटोनियम की कवरिंग है, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, तो ये आपका पेरिटोनियम वाली कवरिंग हो गई, तो ये मिडल वन थर्ड तक होती है, ठीक है, मिडल लैटरल कर्वेचर ये तो हो गया था। और फिर ये देख रहे हैं ना अपने, हाँ, अपर वन थर्ड मिडल वन थर्ड कवर्ड विद पेरिटोनियम, लोअर वन थर्ड लाइज बिलो द रेक्टोवेसाइकल पाउच इन मेल्स, ठीक है, इसके नीचे रेक्टोवेसाइकल पाउच हो जाता है मेल्स में, ठीक है, इस फिगर में देख रहे हैं रेक्टोवेसाइकल पाउच, इसके के नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है आपका, वो लोअर वन थर्ड, ठीक है, रेक्टोसाइकल पाउच इन मेल्स, लाइज बिलो द रेक्टोयूट्राइन पाउच इन फीमेल्स, ठीक है, और जो होता है रेक्टोयूट्राइन पाउच हो जाता है फीमेल्स में। अब पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, सेम इन मेल एंड फीमेल बोथ, ये मेल फीमेल में दोनों में एक जैसा होता है, लोअर थ्री पीस ऑफ सैक्रम कॉकेक्स एंड एनोकॉकेजियल लिगामेंट, ठीक है, इसमें सैक्रम के नीचे तीन पीस होते हैं और फिर कॉकेक्स होता है, फिर एनोकॉकेजियल लिगामेंट, रैफे लिगामेंट भी है, ठीक है। तो पीछे क्या, तीन सैक्रम ऑफ कॉकेक्स और वही एनोकॉकेजियल लिगामेंट हो गया, तो ये चीज़ हो गई। फिर सैक्रल एंड रेक्टल वेसल, ठीक है, सैक्रल एंड रेक्टल वेसल आ जाती है वैसे ही। फिर म्यूकोजल फोल्ड, म्यूकोजल फोल्ड इसमें दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है, ये आपके म्यूकोजल फोल्ड,
ये जो आप ए एंड फिगर ए एंड बी है, सुपीरियर ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड, ठीक है। तो ए वाली फिगर में कैसे फोल्ड दे रखे हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड बता रखे हैं। और फिर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो होते हैं, बट अपने पास म्यूकोसल फोल्ड कितने तरह के, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दो तरह के। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो है ट्रांसिटरी होते हैं, ठीक, कभी रहते कभी नहीं रहते। ये क्या होता है, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ द एम्प्टी रेक्टम एंड आर ऑबलेटेड बाय डिस्टेंशन, ठीक है। जैसे इसमें कुछ आता है ये ऑबलेट्रेट हो जाते हैं और ये रेक्टम के नीचे वाले पार्ट में होते हैं। ट्रांसवर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स होते हैं, हाउस्टन वॉल्स भी कहते हैं इसे, प्लाइका ट्रांसवर्सलिस भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है हॉस्टन वॉल्स कहाँ मिलती है, तो रेक्टम में मिलती है। प्लाइका ट्रांसवर्सलिस कहाँ मिलते हैं, तो ये भी रेक्टम में मिलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स फोल्ड्स हो गए, ये आपको दिख रहे, ठीक है। तो यहाँ बी वाला अगर फिगर देखें, ल्यूमन हो गया, तो इसमें कितने ट्रांसवर्स फोल्ड हो गए, चार ट्रांसवर्स फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाले का फिगर देख रहा, थर्ड और फिर फोर्थ, ठीक है। सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड, थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड, फोर्थ ट्रांसवर्स फोल्ड और फिर बीच में क्या, ल्यूमन। ऐसे ही इसका ये जो है, आप अगर बाहर से देखेंगे इसको तो ये ऐसे दिखता है, ठीक है। सर्कुलर मसल कोट है, ये फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड है ऊपर की तरफ, उसके बाद और नीचे आएंगे, ठीक है। तो राइट साइड में पहला है और फिर लेफ्ट साइड में सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड है, फिर राइट साइड में आपका थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड है, फिर नीचे रेक्टल एम्पुला आ जाता है, फिर वही आपका लेफ्ट साइड में फोर्थ ट्रांसवर्स फोल्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ट्रांसवर्स फोल्ड्स हो गए, ठीक है। और ट्रांसवर्स वाले जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और मोस्ट मार्क्ड व्हेन रेक्टम इज डिस्टेंडेड, बहुत अच्छे खासे मार्क्ड होते हैं जब वो रेक्टम डिस्टेंड होते हैं। फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम राइट वॉल 12 to 14 सेंटीमीटर अबव एनल कैनाल, ठीक है। तो इसकी वो पता ही चली, फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड 12-14 सेंटीमीटर अबव एनल कैनाल पे होता है, ठीक है। फिर सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड नियर द अपर एंड ऑफ द रेक्टम, ठीक है, वो भी ऊपर के पास में ही है अपर एंड ऑफ रेक्टम, एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम लेफ्ट वॉल सिचुएटेड 7 सेंटीमीटर अबव द एनस, ठीक है। एनस के 7 सेंटीमीटर अबव होता है सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड, ये चीज़ हो गई। सेम टाइम इट पार्शियली कॉन्स्ट्रिक्ट द ल्यूमन, और ये क्या होता है, ल्यूमन का कॉन्स्ट्रिक्ट करता है उसी टाइम पे। थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड लार्जेस्ट और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, प्रोजेक्ट फ्रॉम लेफ्ट वॉल, ठीक है। तो ये थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड हो गया, चीज़ हो गई। और फिर लार्जेस्ट कॉन्स्ट्रक्ट होता है प्रोजेक्ट फ्रॉम लेफ्ट वॉल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो तीन तीन फोल्ड हो गए, तीन हो गए चार, ठीक है। तो चार होते हैं। फिर उसके बाद फंक्शनल पार्ट ऑफ रेक्टम, फंक्शनल पार्ट ऑफ रेक्टम क्या है, रेक्टम के बाद दो डेवलपमेंटल पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट रिलेटेड टू पेरिटोनियम, अपर पार्ट पेरिटोनियम से रिलेट करता है, डेवलप फ्रॉम हाइंडगट, ठीक है। तो वो कहाँ से डेवलप होता है, हाइंडगट से, लाइज अबव थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड, जो कि थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड के अबव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, अपर पार्ट रिलेटेड टू पेरिटोनियम, डेवलप फ्रॉम हाइंडगट, लाइज फ्रॉम अबव थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड, थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड आपने देख लिखा है। लोअर पार्ट डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, लोअर पार्ट में कोई पेरिटोनियम नहीं होता, डेवलप फ्रॉम क्लोआका एंड लाइज बिलो थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड, ठीक है। थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड के नीचे होता है वो आपका लोअर पार्ट, ठीक है, और इसमें कोई पेरिटोनियम नहीं होती, वो डेवलप होता है क्लोआका से। फंक्शनली सिग्मॉइड कॉलोन क्या है, फीकल रिजर्वायर होता है, ठीक है, उसमें क्या पॉटिया की पड़ी रहती है। होल रेक्टम, ठीक है, पूरा जो रेक्टम वो एम्प्टी होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल एम्प्टी होता है। बीइंग सेंसिटिव टू डिस्टेंशन, ये क्या है, ये डिस्टेंशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, रेक्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे उसमें पॉटी जाने के कारण डिस्टेंशन होता है, डिफिकेशन करने की डिजायर आ जाती है, ठीक है। जनरली क्या, रेक्टम खाली पड़ा रहता है, अगर उसमें क्या सिग्मॉइड कॉलन रिजर्वायर है, उसी में आकर खट्टा होता है, खट्टा होता है तो जैसे ही वहाँ से वो आगे बढ़ता है रेक्टम में आता है, ठीक है। तो क्या होता है, रेक्टम डिस्टेंड करता है, और डिस्टेंड करते ही आपके जो सिंपेथेटिक नर्व्स हैं, सिंपेथेटिक पैरासिंपेथेटिक, वो मतलब पैरासिंपेथेटिक नर्व्स ही मेनली यूज कर फेजिंग ऑफ डिफिकेशन के लिए होती है, तो सिग्नल भेज देंगे भैया पॉटी आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ होगी, ठीक, तो बंदा फिर क्या फीलिंग ऑफ डिफिकेशन आ जाती है इसको, और फिर वो अपना चला जाता है पॉटी करने। फिर ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में क्या, एंटी आर्टीरियल सप्लाई में कौन कौन, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, मिडल सैक्रल आर्टरी, ठीक है। तो रेक्टम और सैक्रल, ये आप हिसाब से अपना ध्यान रख सकते हैं। वेनस ड्रेनेज क्या है, सुपीरियर रेक्टल वेन्स, मिडल रेक्टल वेन्स और मीडियल सैक्रल वेन्स, ठीक है। तो रेक्टल की दो है और फिर सैक्रल की एक है,
ठीक है, तो ये चीज़ होगी। फिर नाउ सप्लाई आप देखेंगे, रेक्टम इज सप्लाइड बाई बोथ सिंपथेटिक L1 LL2, ठीक है, L1 LL2 से सप्लाई होता है सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक S2 3 4, ठीक है, S2 3 4 नर्व्स में सप्लाई करती हैं, तो सुपीरियर रेक्टम, इन्फीरियर मेसेंट्रिक एंड इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है, एंड इनसे सुपीरियर रेक्टम, इन्फीरियर मेसेंट्रिक एंड इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से सेंसेशन ऑफ डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम पास थ्रू द पैरासिंपथेटिक नर्व्स व्हाइल पेन सेंसेशन कैरीड बाय बोथ, ठीक है, सेंसेशन ऑफ डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम, ठीक है, रेक्टम के डिस्टेंशन का जो सेंसेशन है वो पास होता है तो पैरासिंपथेटिक नर्व्स, ठीक है, डिस्टेंशन कोई भी चौड़ा हुआ है तो उसका पैरासिंपथेटिक नर्व से वेल पेन सेंसेशन कैरीड बाय बोथ, पेन सेंसेशन दोनों तरफ से आता है। सपोर्ट्स ऑफ रेक्टम, रेक्टम के सपोर्ट्स क्या क्या है, पेल्विक फ्लोर फॉर्म बाय लिवेटर एनाई मसल्स, पेल्विक फ्लोर कहाँ से बनता है, लिवेटर एनाई मसल से, फेशिया ऑफ वर्डियर से पेल्विक फ्लोर, ठीक है, सपोर्ट बता रहे हैं रेक्टम के, फेशिया वर्डियर होता है उसमें, इट अटैचेस द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम एम्पुला एम्पुल टू सैक्रम, ठीक है, रेक्टल एम्पुला को सैक्रम से कनेक्ट करता है, लेटरल लिगामेंट ऑफ रेक्टम होता है इसमें, और रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डिनोवेलियर, पेल्विक पेरिटोनियम होता है इसमें, पेरिनियल बॉडी विद इट्स मसल्स, इसके एक फिगर तो इसमें थोड़ी सी इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड सम रिलेटेड स्ट्रक्चर सीन सजाइटल सेक्शन, ठीक है, अपने क्या इधर से राइट साइड से आ रहे हैं, देखिए एजुकेटरी डक दिखा रहा है, ठीक है, और फिर उसके नीचे फेशिया ऑफ डिनोन वेलियर्स, ठीक है, एबीडीविलियर्स की तरह लग रहा है, तो डिनोन वेलियर्स, फेशिया ऑफ डिनोन वेलियर्स, तो ये आपके रेक्टम के जस्ट आगे होते हैं, उसके नीचे क्या है पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल बॉडी आपने देखी होगी, पर रेक्टम लिखा है, फिर उसके आगे रेक्टोवेसाइकल पाउच लिखा है राइट साइड में, ठीक है, और फिर और आगे जाएंगे पेरिटोनियम लिखा है, रेक्टोवेसाइकल पाउच ही आगे क्या है पेरिटोनियम है, ठीक है, और नीचे यूरेथ्रा लिखा है, फिर उसके और राइट साइड में आएंगे तो मीडियन अम्ब्लाइकल लिगामेंट है, ठीक है, नीचे उसके यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और फिर उसके नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उसके नीचे प्रोस्टेट है, ठीक है, और फिर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यही था, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।